गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रितेश एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द सिलेबस फॉर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फॉर 6M एंड दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द कॉलेजेस हु आर अंडर मकाउट एंड थैंक यू रोहित फॉर सजेस्टिंग मी टू मेक दिस वीडियो। सबसे पहले सिलेबस में टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा और 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा। डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेजेस ये वैरी कर सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको मिलेगा कौन सा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। सो पहला सब्जेक्ट जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये गेट के पर्स्पेक्टिव से, इंटरव्यू के पर्स्पेक्टिव से, कॉलेज के पर्स्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका कोड है PCCCS601 और इसमें जो भी ग्रीन जो भी हाईलाइटर से मार्क किया गया है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आप देख लेना। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पहला मॉड्यूल में है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, व्हाट इज डेटा एक्सट्रैक्शन वगैरह। हम पूरा नहीं जाएंगे, एक एक टॉपिक पे नहीं जाएंगे, आपको बस रूबरू करवा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। सो ER डायग्राम, ठीक है। रिलेशन क्वेरी लैंग्वेजेस लाइक SQL वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन वगैरह में नॉर्मल फॉर्म्स, आंसर्स, एग्जाम्स वगैरह आ जाएगा। दूसरा मॉड्यूल में ज्वाइन स्ट्रेटजीज, ज्वाइन वगैरह जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको देखना है। मॉड्यूल 3 में स्टोरेज स्ट्रेटजीज, मॉड्यूल 4 में ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में एसिड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल 5 में डेटाबेस सिक्योरिटी एंड एडवांस टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही डेटाबेस, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग वगैरह देख लेना। अगर किसी को फॉलो करना चाहते हो तो संचित जैन सर हैं एक, उनका वीडियो देख सकते हो, अच्छा लगेगा। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो इसका कोड है PCCCS602, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। और सबसे मॉड्यूल की बात करें तो OSI मॉडल, पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में सिर्फ OSI मॉडल भी पढ़ लोगे तो मतलब एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क में आखिर है क्या, प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स वगैरह है, वायर लैन, वायरलेस लैन, डेटा लिंक लेयर, मीडियम एक्सेस लेयर, स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एंड ARQ, एलोहा, CSMA, DCD। मॉड्यूल 3 में IPv4, IPv6, ठीक है। मॉड्यूल 4 में UDP एंड TCP बहुत इंपॉर्टेंट है, QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है, एंड मॉड्यूल 5 में DNS डोमेन नेम सर्विस क्या होता है, FTP, HTTP, SNTP ये सब बीच का डिफरेंस क्या है। अगर किसी को फॉलो करना चाहो तो YouTube में गेट एकेडमी में एक सर पढ़ाते हैं, वहां से बस तुमको वीडियो देखते जाना है। कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के देखना है, समझ में आएगा धीरे धीरे। एडवांस्ड एल्गोरिदम मेरे में नहीं था इसीलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी नहीं था इसीलिए इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे, सिग्नल एंड सिस्टम भी नहीं था। सो जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है तुम्हारा इमेज प्रोसेसिंग, इसका कोड है PECIT601D। अगर शुरू से नहीं पढ़े तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना जो टीचर पढ़ाएं, लेक्चर अटेंड करना, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग, डिजिटल एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल प्रोसेसिंग क्या है ये सब देखना है, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन में स्केलिंग क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन क्या होता है। मॉड्यूल 3 में डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म। मॉड्यूल 4 में इमेज इन्हांसमेंट, मॉड्यूल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 5 में रिस्टोरेशन, जैसे ग्रे लेवल इंटरपोलेशन, फिल्टरिंग क्या होता है ये सब बताया गया है। एंड मॉड्यूल 6 में इमेज सेगमेंटेशन, जो कि जिसमें कि पॉइंट डिटेक्शन, लाइन डिटेक्शन, एज डिटेक्शन, कॉम्बाइन डिटेक्शन, थ्रेशहोल्डिंग ये सब है। तो मेरे केस में तो मैम थी तो उससे हो गया था, बाकी आप देख लेना। पैरेलल डिजाइन नहीं है। जो फोर्थ है वो है डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, इसका कोड है PECIT602B। इसमें जो इंपॉर्टेंट यूनिट है इसमें है डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज एसोसिएशन एंड कोरिलेशन, सिक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग क्या होता है, स्केलेबल मेथड क्या होता है, यूनिट 2 में क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन, हायरार्किकल मेथड्स वगैरह, यूनिट 5 में टाइम सीरीज एनालिसिस, माइनिंग टाइम सीरीज डेटा, यूनिट 4 में फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स एंड ऑल दैट, यूनिट 5 में वेब माइनिंग हो गया, यूनिट 6 में व्हाट आर द रिसेंट ट्रेंड्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग एंड क्लास इम्बैलेंस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जल्दी समझ में नहीं आता। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वो है न्यूमेरिकल मेथड,
इसका कोड है OECIT601A, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड काफी मतलब मैथमेटिक्स टाइप, मैथमेटिक्स ही है, पूरा मैथमेटिक्स ही भरा हुआ है। तो इट डिपेंड्स, अगर क्लास करोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। इसमें फिक्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, इंटरपोलेशन में क्या होता है, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन, लैग्रेंज एंड न्यूटन डिवाइडेंड डिफरेंस इंटरपोलेशन, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल, गॉस एलिमिनेशन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, फाइव में रेगुला फालसी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, जो जो इम्पोर्टेंट है वही वही हाईलाइट किए हैं। इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट हो सकता है पर हम उसको नहीं दिए। यूलर मेथड, रेंज कुटास मेथड। सो ये टोटल मैथमेटिक्स का है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, ठीक है। फिर है तुम्हारा एक सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसका कोड है PROJ C6CS601। इसमें सर आएंगे, उतना क्लास कर लेना, अटेंडेंस बना लेना, सर कुछ प्रोजेक्ट देंगे उसमें से प्रोजेक्ट सबमिट कर देना एंड आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लैब हो गया, जिसका कोड है PCCCX60691। इसके लिए आपको सिक्वल पढ़ लेना अच्छे से, बाकी सर अपना समझा देंगे आपको। कंप्यूटर नेटवर्क लैब में PCCCS692, ठीक है, और इसमें ये सब करना होगा, ये भी लैब में आपको पता चल जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।